आगे के दोनों पैरों को हाथ बनाया गज ने हाथ, और एक टांग पे खड़ा होके दोनों हाथों से पुकारा, ए हरी बचाओ, ब्रिजराज ब्रिज निहारी कुमार बंसीवारे, ब्रिजराज ब्रिज निहारी ए हरी बंसीवारे, बचपन में माँ बाप भाई बहन विवाह हुआ तो पति पत्नी बच्चे बुआ फूफा चाचा मामा रिश्तेदार दोस्त मित्र सखी सहेली कितनों को अपना समझा, कितनों के हो कहना पड़ेगा, ब्रिजराज ब्रिज निहारी गोपाल बंसीवारे, ब्रिजराज ब्रिज निहारी गोपाल बंसीवारे, कितनों को अपना समझा कितने पर तेरे दरबार की दाता निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा झोलियां भरी देखी है, कितनों ने निकाल दिया धक्के मार के निकाल दिया, किसने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, अब तेरे दिल पे आ गए Yeah.
यानी के अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा उत्तम नगर में कीर्तन कब था बेटा? हेलो आशु, उत्तम नगर में कीर्तन कब था? 7 तारीख को, 7 तारीख को दिल्ली में 7 तारीख को संकीर्तन था। हम संकीर्तन करके रात को 1 बजे दिल्ली का जो गोल गोल रिंग रोड है उस पर जा रहे थे वापिस वृंदावन की तरफ। हम क्या देखे, एक बुजुर्ग माता जी नई नई तो करके 80 साल की रही होंगी, सीधे पल्ले की साड़ी पहनी हुई, कंधे पर बैग टंगा हुआ, रात को 1:30 बजे सड़क से उल्टी तरफ आ रही है, इधर डिवाइडर होता है उस तरफ उधर जा रही है। बड़ी मुश्किल हमने गाड़ी भगवान के सारथी ने रोकी, माता जी के पास बैग था, सड़क के बीच में डोल रही है, नई साड़ी पहन रखी है। हमने कहा रोको प्रभु, ये तो कुछ घपला लग रहा है, माता जी की चिंता होगी भगवान को। गाड़ी वापिस घुमाई, उतर के माता जी से पूछा, माता जी कहाँ जा रहे हो? बोले वो बेटे के साथ आई हूँ, वो यहाँ बिठा के कह रहा था अभी आ रहा हूँ, वहाँ यहाँ कहीं दुकान खुली नहीं है, रोटी लेके आ रहा हूँ तो यहीं बैठ, कह रहा था वृंदावन ले जाऊंगा तीर्थ कराने के लिए मोटरसाइकिल पे। कितनी देर होगी मेरी, बहुत देर होगी, आया नहीं। फिर मैं उधर से उठ के उधर चली गई, फिर उधर से उठ के इधर आ रहे थे, कई देर होगी आया नहीं, पता नहीं क्या बात होगी। 3 घंटे से घूम रही थी माता जी सड़क पे, फिर हम थाने में गए और माता जी को कहा बिठाया और उनसे बोला थानेदार को कि देखो कलयुग की औलाद तीरथ का बहाना करके माँ को सड़क पे छोड़ के भाग गया है, तो निकाल दिया, कौन बड़ी बात है, कोई माँ को निकाल रहा है, कोई बाप को निकाल रहा है, कोई भाई को निकाल रहा है, कोई अपने मतलब निकाल रहा है, सबसे सारे मतलब निकाल रहा है, जिसके जिससे जब तक मतलब है बस रिश्ता तभी तक है, मतलब निकला उसके बाद कब मिलेंगे उतना नहीं कम मिलेंगे। घने दिन हो गए, मैं थोड़ा बिजी, थोड़ी बिजी थी, थोड़ी बिजी, तो भक्त कह रहा है अब तेरे दर से दाता, तैयार बैठे रहते हैं, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, तो बुढ़ापे में लोग अकेले हो जाते हैं। वृद्ध जन को चाहे वो माता हो या पिता हो, बुजुर्ग हो, अगर उन्होंने भगवान से प्रेम करना सीख लिया तो मेरा दावा नहीं, मैं आपको निश्चित यकीन दिलाती हूँ
कि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग रोते हैं, पोते हमारे पास आते नहीं है, कोई बैठता नहीं, कोई हमसे बात नहीं करता, वो कहेंगे कोई आए ही ना हमारे भजन में, कोई विघ्न न डाले। हम भजन कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान से प्यार कर रहे हैं, भगवान से बात करो ना, भगवान आते हैं। भगवान 24 घंटे सूरदास जी के साथ बालक रूप में रहते थे, कि ये बाबा अंधा है, मेरा नाम छोड़ता नहीं, मैं इसका हाथ कैसे छोड़ूं। जो कोई आता है उसको कहते मैं तो मोहन के हवाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। रोज सवेरे भी कहो, शाम को भी कहो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, गज को उद्धारे हरी, ग्राह को मारे गज को उबारे। उस दिन से हाथी का पांव छूटा, और उस दिन से हाथी ने पांव को छुड़वा लिया, लेकिन लाइन नहीं छोड़ी। समझ में आ गया सब कि ये जो जीवन है ना, अब जो मचा है ये भगवान का है, ये उनका नहीं है जो छोड़ के चले गए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
जय जय श्री राधे श्री राधे। गज का उद्धार करा भगवान ने, आनंद श्रद्धा भक्ति से अभिभूत होकर के कथा में भगवान का हरि अवतार हुआ है। जय जयकार हुई देवताओं ने, जय जयकार करी भगवान की।